श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतक दिखला। महाधनुष एक ही हाथ से उठा पहुंच करके सबको ये वचन सुनायो है। और उसी समय राजा जनक ने मन में प्रण ले लिया, श्री शिव शंकर के धनवा को जो वीर आज यहां तोड़ेगा मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। दरबार में पहुंचे और सभी से कहा जिस महावीर की मां शक्ति धनवा तोड़ गिराएगी उसी के साथ में जनक नंदिनी सीता विवाही जाएगी। अब हर जगह पत्र पहुंचे, बड़े बड़े राजा महाराजा जो है धनुष तोड़ने के लिए और सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए। एक पत्र आजमगढ़ में विश्वामित्र के यहां पर पहुंचा, सो राम लक्ष्मण को साथ में लिया और जनक के दरबार के लिए चले। के पाते ही खबर स्वयंवर की और गुरु जनक राज के धाम चले। एकादश को गुरु के संग में श्री राम चले। नजर न आते हैं सावन भी जहां भयानक है। थोड़ा आगे बढ़ के देखा कि हर उजार निर्जन वन है, बस पक्षी नजर ना आते सावन भी जहां भयानक है। ऐसे भयानक जंगल में राम लक्ष्मण और विश्वामित्र पहुंचे।
तो राम जी ने क्या देखा, एक पत्थर की शिला उसी जगह पड़ी हुई थी, स्त्री जैसा आकार है। तो हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये हम क्या देख रहे हैं, ये कौन है? तो कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, अपने पति के श्राप की वजह से ये पत्थर की बन गई। तो कहा गुरुदेव ऐसा कौन सा कारण फंस गया जो पति ने पत्नी को श्राप दिया, तो विस्तार से बताइए। विश्वामित्र ने कहा एक बार अहिल्या अटारी पे खड़े होके अपने केसों को सुखा रही थी, इंद्र की दृष्टि इन पे पड़ी, इंद्र के मन में काम वासना जागृत हुई, इंद्र इधर उधर भटकने लगा, सोचने लगा अहिल्या के साथ छल कैसे करें। तो इंद्र चंद्रमा के पास गया, सोचा पूरे दिन गौतम ऋषि द्वार पे रहते हैं, आश्रम पे रहते हैं, सुबह सुबह स्नान करने जाते, यदि चंद्रमा मुर्गा बन के पहरेदारी करे, आवाज लगा दे, तो फिर हमें मौका मिल सकता अहिल्या के साथ छल करने का। आज चंद्रमा का हाथ पकड़ करके ये इंद्र कहने लगा, भैया मेरा एक छोटा सा काम कर दो, कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा चले जाना, ज्यादा कुछ काम नहीं, बस रात में जाके और मुर्गा बन के आवाज लगा देना, तुम रात चले जाना, आवाज लगा देना, मैं घर घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पर रहना। बड़ी बात भैया, अब भैया हम मुर्गा बन के जा रहे हैं, सो मुर्गा बन के चंद्रमा गया, गौतम ऋषि के द्वार पे आवाज लगाई, गौतम ऋषि ने सोचा सुबेरा हुआ, छड़ी और कमंडल धोती हाथ में ली, चल दिए गंगा तट पे पहुंचे जाके, गंगा मैया में जैसे प्रवेश किया, और इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण किया, अहिल्या के साथ छल करने लगे, और इधर जैसे ही गंगा मैया में पैर रखा, सो गंगा कहने लगी कौन है, रात्रि के समय परेशान किया मुझे, कौन है? तो हाथ जोड़ के गौतम ऋषि बोले, हे माता मैं तो आपका भक्त हूँ, नित्य कर्म मेरा है कि मैं रोजाना आके स्नान करता हूँ, आप तो कभी कुछ नहीं कहती, आज क्या बात है? तो कहा बेटा तुम अभी भोले भाले हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी के साथ छल हो रहा है, इंद्र तुम्हारी पत्नी के साथ छल कर रहा है, जाओ देखो जाके। जो भीगी हुई धोती कंधे पर डाली, कमंडल को पकड़ते हुए जल्दी से दौड़े दौड़े आए, उन्होंने देखा तब तक इंद्र भाग गया। अब पत्नी चुपचाप खड़ी, वो सोचे ये पति है कि ये पति, असमंजस में पड़ी। तभी गौतम ऋषि को क्रोध आ गया, क्रोध में आके श्राप दे दिया, तू मेरे सामने पत्थर की भांति खड़ी है, तुझे शर्म नहीं आती है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्थर की हो जा। तो अपने पति के श्राप की वजह से ये पत्थर की बन गई। बेटा राम यदि आपके चरणों की धूल इन पे पड़ जाए तो इनका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। राम जी ने
तू विश्वामित्र के कहने पर और अहिल्या का उद्धार किया।